हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो अभी मैं करंटली चाइना में हूँ। मैं इस सिटी में दोबारा 5 साल के बाद आया हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और बहुत अच्छी सिटी है यार। आप पीछे मेरे यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही आपको दिख रहा होगा। अभी मैं नीचे जाके सारी जो भी आसपास की प्लेसेस हैं मैं कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में कवर करने के लिए, और ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते में कि एक या दो व्लॉग्स आ जाए। बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और काम पहले है यार। ये व्लॉगिंग वगैरह तो चलो है ही है, ये भी एक थोड़ा सा शौक है व्लॉगिंग करने का, बट काम पहले। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप थोड़ा बहुत पीछे देख सकते हैं, अभी नीचे जाके अच्छी तरह से सारा दिखाऊँगा मैं आपको। और कंपनी ने जो है वो अकोमोडेशन मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ्लैट है, कैसा फ्लैट है। थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर वो लोग भी रह रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको फ्लैट के बारे में दिखाता हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। सो यहाँ से एंट्री है, यहाँ सारे हम अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं, और ये है ये लिविंग रूम है, लिविंग एरिया बड़ा, बाहर वो बालकनी है, सारा व्यू यहाँ से दिखता है बाहर का। ये खाने का एरिया, ये किचन होगी, किचन है, बाकी ये अलग अलग रूम्स हैं, सबके अलग अलग पर्सनल रूम्स हैं, तो खोल के तो मैं नहीं दिखा सकता। ये मेरा रूम है, व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से, ये आप देख सकते हो, वो जो आप उधर देख रहे हो मैं जूम कर लेता हूँ, ये जो आप इधर देख रहे हो ये स्टेडियम है, मतलब अंदर बहुत सारी गेम्स होती हैं, मतलब बास्केटबॉल वगैरह भी है यहाँ पर, और होली का भी ग्राउंड है बीच में, बेसबॉल भी है यहाँ पे काफी कुछ है। ये वॉशरूम है, बालकनी से बाहर का थोड़ा दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी एक्चुअली, वो मैं बालकनी में ही बाहर खड़ा था। ये आप देख सकते हो बाहर का एरिया, गर्मी यार सेम इंडिया जैसा है वो वेदर है यहाँ पर, बस थोड़ा सा वहाँ से ठंडा है ज़्यादा नहीं, बट वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ आसपास की जितनी जगह आज कवर कर सका, क्योंकि पूरा शहर कवर करने के व्लॉग में तो पॉसिबल नहीं है यार, तो जितना कवर कर पाऊँगा आज वो दिखाऊँगा मैं आपको। आसपास की मार्केट दिखाता हूँ और ट्राई करूँगा, इंडियन स्टोर्स थोड़ा दूर है पर ट्राई करूँगा आज उस पर जाने की, ना जा पाया तो अगले किसी ब्लॉक में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। यहाँ पर 2 इंडियन स्टोर्स हैं, एक सिंह ग्रोसरी के नाम से और एक भूमि स्टोर के नाम से है। पहले वो जो आप वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड वहाँ पे वो देख रहे हैं, ये थोड़ा जूम करता हूँ, पहले ये एग्जैक्टली इसके नीचे होता था भूमि स्टोर, तो काफ़ी पास पड़ता था घर के, तो बट अब चेंज हो चुका है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो ठीक है, आप बने रहिए व्लॉग में और मैं आपको दिखाता हूँ आज अपना शहर। सो गाइस, ये सोसाइटी के नीचे का एरिया है, यहाँ से एंट्री है, ये लिफ्ट आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिफ्ट, और ये सोसाइटी के नीचे का एरिया, यहाँ पे ये सीटिंग वगैरह है, थोड़ा बहुत लोग बैठ जाते हैं, हमारे पैकेजेस वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। आया तो नहीं हुआ यार मेरा कोई, एक बार मैं चेक कर लूँ, हमारा अभी तक कोई पैकेज नहीं आया था। ये
आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब यहाँ पर मैं सुबह उठ के वॉक करता हूँ, वो पीछे सारा एरिया है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, उधर जो है वो बास्केटबॉल का कोर्ट भी है। अड़नो यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ वो रहा, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये बास्केटबॉल का एरिया सारा। और यहाँ से मैं आपको एंट्री जो है वो दिखाता हूँ। एक्चुअली इसके दो गेट हैं, और हमारे इधर का जो गेट है वो छोटा गेट लगता है, तो वहीं से एंट्री करते हैं। वहीं से सारा एग्जिट है, ये एक गेट है। नी हाँ तो ये एक गेट है, ये छोटा गेट है, कहने का मतलब ओपन ही है ऐसा। इस साल में पहले होटल होता था, बंद हो गया। ये सारी होटल की बिल्डिंग है, बंद हो गया। इसका नाम था मंजू होटल। और ये बाहर का एरिया है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, पीसफुल जगह है। ये हॉट पॉट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर फाइन डाइन भी आप कर सकते हो, पैक भी करा के ले जा सकते हो। ये होटल था, ये बंद हो गया। और ये सारा एरिया, मतलब यहाँ से हम जो है वो एंट्री वगैरह करते हैं। देख सकते हो मैं सारी ये चाइनीज स्टोर्स हैं, पर अलग अलग तरीके की कुछ ही शॉप है। ये पिन पिन टी, चाय की दुकान। तो अब मैं आपको, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ के मॉल लेके चलता हूँ। वंडा, वंडा प्लाजा, ये सुपर एट होटल है। ये सामने जो है ये सुपर एट होटल है। बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ वंडा प्लाजा, दिखाता हूँ यहाँ का मॉल जो है वो कैसा है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ के मॉल्स में। तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर ये इंडियन रेस्टोरेंट भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं सामने कशिश। इससे आज मैंने सुबह खाना वगैरह मंगवाया था, बहुत अच्छा खाना है इनका और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि यहाँ पर और जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। इन्होंने काफ़ी टाइम से अपने प्राइसेस जो है वो सेम रखे हैं, क्योंकि पहले भी मैं इनसे खाना मंगवाता था तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। बाकी ये भी कुछ है रेस्टोरेंट्स अलग अलग, कोई कोरियन है, कोई जापानीज है, कोई यू नो इंडोनेशिया का रेस्टोरेंट है। ये है कशिश, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। कल परसों में गया भी था यहाँ पर खाना खाने, तो किस दिन जाऊँगा तो दोबारा एक बार वीडियो बनाऊँगा इसकी अंदर से भी और आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। ये सामने अपार्टमेंट्स है, ये कचाओ के सबसे पुराने अपार्टमेंट्स में से एक है। मतलब जब ये सिटी बन रहा था तो तब ही ये अपार्टमेंट्स बने थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, यानी कि जो सोसाइटी वो है, वो 2010 में बनी स्टार्ट हुई थी, बट ये बहुत पहले के बने हुए थे। अभी इधर से हम लेफ्ट मुड़ेंगे और सीधा जाके मॉल का एरिया आ जाएगा। वो
थोड़ा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जस्ट 5-10 मिनट्स लगते हैं, इजिली पहुँच जाते हैं। मतलब लेकिन यह है कि खाया पिया और शाम को हम निकल जाते हैं वॉक के लिए, वॉक करते करते मॉल भी चले जाते हैं कोई सामान वगैरह लाना हो तो। ये डेंटिस्ट, यहाँ पर अगर दांत वाँत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब अगर कुछ वाना करें, अगर मेरे को कुछ दांत में प्रॉब्लम हो जाए तो मैं इंडिया जा कर वापिस आ जाऊँगा इलाज करा के भी, तो ही मेरे को चीप पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हद से ज़्यादा। इनके एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, यार बहुत एडवांस देश है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक जो हैं वो अब शुरू हो चुकी है आनी। अब ये जो एरिया, ये सीधा मुझे जाना है, हार्डली 5 मिनट्स की वॉकिंग भी है और उसके बाद मॉल आ जाएगा। सो ये जो आप आगे गेट देख रहे हो, ये मेरे मेरी सोसाइटी का मेन गेट है, मतलब यहाँ पर हम सब लोगों की आईडीज़ वगैरह बनती हैं और उसके बाद जो है वो अंदर एंट्री होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि यहीं से हम जाएं। अरे भाई देख ले यार, मारेगा क्या? ये देखो, ये मेरी सोसाइटी का मेन गेट है जो है, और काफ़ी बहुत बड़ी सोसाइटी है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी कि कचाओ की सेकंड आई थिंक मोस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड, मोस्ट ऑक्यूपाइड जिसने स्पेस किया हुआ है वो सोसाइटी है ये। बाकी बस ये मॉल आ गया, ये आप 3 टावर्स देख रहे हो उधर, हल्के हल्के आपको पेड़ों के पीछे दिख रहे होंगे, ये मॉल है। तो वैसे तो मैं सोसाइटी के बीच से भी निकल के आ सकता था, बट फिर वो बैक की मार्केट मैं आपको ना दिखा पाता। ये टॉवर्स है जो वंडा प्लाजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो वंडा ग्रुप है, ये चाइना में जो है वो सेकंड रिचेस्ट मैन है, इसका ये ग्रुप है। आई थिंक फर्स्ट जो था पहले जैकमा था, अलीबाबा वाला, अब ये है। बट अब मुझे ये नहीं पता कि अब फर्स्ट जैकमा ही है या कोई और है, बट अभी तो फिलहाल सेकंड नंबर पे तो यही है। बस अब ये सामने से हमने जाना है और आ जाएगा। ये सोसाइटी का दूसरा गेट आ गया, बट मेन वो था जो आपको मैंने दिखाया था, ये फ्रंट पे ही दूसरा गेट है सोसाइटी का। पूरी सिक्योरिटी इधर, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब दिन रात जब मर्जी जैसे मर्जी घूमो, कोई यहाँ पर चोरी चकारी का डर नहीं है, कुछ नहीं है। ये यहाँ पर साइकिल्स पार्क है, आप अपने यहाँ पे कार्ड आपका बन जाता है और यहाँ पर कार्ड लगाओ और ये साइकिल लेके शहर में कहीं पे भी घूमो, और उसके बाद जब फ्री हो जाओगे तो साइकिल किसी भी स्टैंड पर आप लगा सकते हो, आपकी कार्ड से पेमेंट कट जाएगी। ये तो आई थिंक हमारे इंडिया में भी है। ओके, तो यहाँ से एंट्री है मॉल में जाने की। वैसे अगेन इसके काफ़ी गेट्स हैं मॉल के भी, 3-4 गेट्स हैं, बट ये सबसे इजी एक्सेस हमारे को पड़ता है तो इधर चले जाते हैं, अदरवाइज वो पूरा घूम के फिर जो है वो जाना पड़ता। तो यहाँ पर जब इनका एक बोट फेस्टिवल करके होता कुछ, तो ये जो आप लेक देख रहे हो छोटी मोटी, यहाँ पर सारी बोट्स ही बोट्स होती हैं। आई थिंक कुछ है इनका फेस्टिवल, मून केक या कोई बोट फेस्टिवल होता है। अब आई थिंक अक्टूबर में आएगा वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं अक्टूबर में तो सच लेबर हॉलीडेज आती है, और इनके एक फेस्टिवल आता है तो यहाँ पे बोट्स ही बोट्स होती है। वो मैं टाइम बोल गया, आता कब है?
ये जैसे कि हर मॉल में आपको बताइए तो हमारे मतलब मॉल्स तो ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया के कह लो या कहीं के भी कह लो सेम ही है, यानी कि इधर से भी एंट्री है। आई थिंक मेट्रोपोलो होटल है, यस वो ये। और इधर ये एल आई है पूरी, ये पीछे सारा एरिया जो है वो मॉल का है, बाहर की भी मार्केट है। ये क्या बेच रहा है? अच्छा इसने आज ही दुकान खोली अपनी, मैकडी। और गाइस यहाँ पर ना मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर गाड़ी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम जैसे। अब ये देखो अभी जो है वो मेरे बॉस ने टेस्ला भी लिया, तो उनका टेस्ला का भी यहीं पे शोरूम है। ये मॉल है, मुझे ये सेम लगता है कि अपने वहाँ जितना एलांटे है उतना ही है ये मॉल, मतलब उससे बड़ा तो नहीं डेफिनेटली लगता, बट ये है कि ब्रांड्स उससे ज़्यादा बड़े हैं ऑब्वियसली, ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बनाना है। अब वो भी वैसे वहाँ पे भी ब्रांड्स तो अच्छे ही हैं, अपने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, चाइना बहुत एडवांस हो चुका है यार। आई होप हम भी हमारा देश भी जल्दी जल्दी तरक्की करे यार। आप देख सकते हो बाकी मॉल है नॉर्मल जैसे आम मॉल्स होते हैं अपने इंडिया में भी, और कुछ ऐसे तो खास है नहीं। बट ये है कि मज़ा आता है घूमने फिरने में ऐसी जगहों पे, थोड़ा सा यू नो छुट्टी वाले दिन आप थोड़ा निकल आओ, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बाहर जा रहे हो। जी हाँ जी, आई थिंक यहाँ के लोकल कुछ ब्रांड्स हैं या आए दोनों बाहर अमेरिका वगैरह के भी होंगे, मुझे नहीं इतना नॉलेज है, आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है। इनका पहले गेम सेक्शन होता था, आई थिंक अभी भी है नहीं, अभी भी इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ये ऑडी के कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। जिन 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 सिर्फ और ये तो खैर एलांटे में भी है इसका शोरूम, तो मैं अपनी सिस्टर को ले गया तो मुझे पता है, बट बहुत कॉस्टली है यार, वहाँ पर भी बहुत कॉस्टली था, आई डोंट नो यहाँ पर भी कितने का होगा। सही है, बढ़िया है, H&M। आई थिंक नीचे सारा गर्ल्स का ही सेक्शन, हाँ ये रहा गेम का सेक्शन इनका, मतलब यहाँ पर आप आओ बच्चों के साथ, उन्हें इंजॉय करो, घूमो फिरो, खुद घूमो फिरो, बच्चों को इधर छोड़ दो, लाइफ बहुत अच्छी है यार यहाँ पे, ऐसा नहीं है मैंने सोचा था। और अब तो लगता भी नहीं है कि यहाँ इस देश में कभी कोविड आया भी था, आप देख सकते हो मतलब गेम सेक्शंस है प्रॉपर, सारी जैसे नॉर्मल गेम्स होती है, बच्चे खेल रहे हैं, लगे हुए हैं यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बनाने, मतलब मोस्टली वो दूर तक सारा गेम सेक्शन ही है। बढ़िया, सही लगता है। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं इनके क्या है, कि काफ़ी पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था तो वो भी यहाँ होता था, आई थिंक थर्ड फ्लोर पर ही होता था, थर्ड फ्लोर पर ही जा रहे हैं हम, यहीं होता था कहीं जिम लगे, बस चाहिए ना मैं इनसे बच के रहना, ये पीले हेलमेट वालों से यार, ये देखते नहीं है, ये फूड डिलीवरी वाले हैं और ये बिल्कुल नहीं देखते बाइक कैसे लेके जा रहे हैं। एक तो वैसी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और इतनी तेज लेके जाते हैं, बस पूछो मत।
ये शोरूम्स, वो ये शोरूम्स ही हैं ज़्यादातर रोड, तो मॉल में तो होना क्या, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार। मदर एंड चाइल्ड रूम, ओके। अच्छा ये बच्चों के लिए, मतलब यहाँ मोस्टली जो है वो ये तो विमेंस के लिए है या बच्चों के लिए है। हाँ ये मेंस का भी आया, शुगर है, कुछ अच्छे स्टफ हैं यहाँ पर, बट शूज़ तो मेरे साइज़ के यहाँ पर मिलते नहीं, मैंने वैसे ही पता कर लिया हाँ शूज़ हैं नहीं यहाँ पर मेरे साइज़ के। सही है, बाकी बढ़िया है एकदम, ना घूमो फिरो थोड़ा ऐश करो। ये क्या है, के टीवी, अच्छा हाँ ये वो है कायरोके, कायरोके टीवी ऐसे ही आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। मतलब आप जाओ वहाँ पर और गाने वगैरह गाओ अपने जाके। बाला बाला, हमारे वहाँ बला बला है, यहाँ बला बला, बाला बाला। आई होप किधर चलना, हाँ उधर चलना है हमारा। मतलब अच्छा है, ये नाइकी का शोरूम है आई थिंक, ये किड्स के लिए है, हाँ किड्स का, ये किड्स नाइकी का है, ये कन्वर्स का शोरूम है किड्स के लिए आई थिंक, ये सारा किड्स सेक्शन ही है जहाँ मैं घूम रहा हूँ। काफ़ी कुछ बदला भी है मॉल के अंदर, ये ऊपर जो है ये सारा फूड कोर्ट है इनका, ये ऊपर जो बोला वो आप ऊपर जो जगह देख रहे हो सारा फूड कोर्ट है, बट फूड यार आप अपने रिस्क पे खाना, कुछ नहीं कह सकते किस चीज़ में क्या पा रहे हैं ये लोग, इनका कुछ नहीं पता, बहुत कुछ बोलना पड़ता है इनको, प्रॉपर बताना पड़ता है कि यार ये ना पाना ये ना पाना, और बहुत मुश्किल है यार, थोड़ी बहुत चाइनीज़ तो आनी चाहिए। अब हल्की फुल्की तो मुझे आती है, कुछ सीख ली कुछ समझ ली इधर उधर से, ये मैकडी, चलो फूड कोर्ट भी एक बार इनके वो आते हैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बैटरी भी इसकी ड्रेन होने वाली है। हाँ तो ये इनका है फूड कोर्ट, अच्छा आप देख सकते हो, क्या दे रहा है यार, सुशी लग रहे हैं, लग तो हो ही रही है, अभी कल ही खाई है मैंने, तो थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है। ओके नथिंग बिग बट ईट, ओके यहाँ पे ऐसे ये ओपन व्यू एड के आप खा सकते हो, मतलब सही है, ये आई थिंक ट्रेडिशनल है कहीं के, ये वही है नथिंग बिग बट ईट, और मतलब हाँ ये सारा खाने का ही, सारी खाने की उनका पूरा पूरा फूड कोर्ट है, बट अब मेरे मतलब यहाँ खाने का बहुत कम है यार टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले प्रेफर करता हूँ वेज, और अगर नहीं मिलता कोई कुछ चारा ही नहीं होता तो फिर खाना पड़ता है, नॉनवेज क्या करें, अभी रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही यार। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा भाई अगर नहीं अच्छा लगा तो सॉरी, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, किसी को नहीं अच्छा लगा तो पहले ही आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, माफ़ कर देना भाई। तमायाकी आई थिंक ये कुछ आइसक्रीम पार्लर टाइप लग रहा है, नहीं 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 कुछ हो रहा है तो आइसक्रीम नहीं, कोको, अच्छा यहाँ पर ये जूसेस वगैरह मिलते हैं, बस ये एक चीज़ है जो मैं पी सकता हूँ और सब सही है, जो मतलब बिना बेझिझक पी सकता हूँ ये कह रहा हूँ मैं, बाकी तो सब ऐसा ही है, बड़ी तेज गाने बना रखे यार। तो बस गाइस
ये है सारा फूड कोर्ट। अब नीचे चलते हैं क्योंकि ऐसे तो मैं दिखाता रहूँगा और तो कुछ यहाँ पे खास ऐसा है नहीं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और बाहर का एरिया कवर करता हूँ, मॉल के बाहर का एरिया कवर करता हूँ। बेसिकली अंदर से तो वही सारे शोरूम्स हैं और तो कुछ इतना कुछ खास ऐसे है नहीं। बाकी ये हाँ ये आया टाइगर का शोरूम, मतलब अलग अलग शोरूम्स हैं, मल्टी शोरूम्स हैं, सॉरी मल्टी ब्रांड शोरूम है। बट यहाँ पर मेरे साइज़ मिलते नहीं है। मेरे को एक नाइकी का जूता बहुत अच्छा लगा था बट उसमें साइज़ ही नहीं था मेरा, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पूरे शॉप पे किसी भी ब्रांड में आपका साइज़ नहीं है। तो आई थिंक मुझे शंघाई जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और शंघाई में फिर जो है वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो जूता अपने साइज़ के हिसाब से और कलर वगैरह, मतलब अगर कस्टमाइज़ करवा रहे हो तो आप पूरा ही अपने हिसाब आपके हिसाब से जूता बनेगा, और उससे हफ्ता लगता है आने में। तो देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीक शायद शंघाई जाऊँगा, बट नॉट श्योर। ये परफ्यूम्स की शॉप है, हाँ बट आई थिंक ये सारे लेडीज़ परफ्यूम ही हैं, स्किन ब्रांड के कुछ शायद लग रहे थे। पोलो स्पोर्ट्स, इसका शोरूम तो इंडिया में भी है, मतलब काफ़ी शोरूम हैं जो मोस्ट जैसे कॉमन शोरूम्स होते हैं वो इंडिया में भी हैं, वर्ल्ड में आपको कहीं भी हर जगह पर आपको मिल जाएंगे, बस यही है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बाहर की वीडियो बनाता हूँ आपसे, फिर आपको थोड़ा बाहर का भी जो है वो एक बार दिखाता हूँ। नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, अब बाहर की वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे अभी आपको बोल रहा था। हाँ वैंस, ये बड़े जूते हैं इनके पास, बट अगेन साइज़ नहीं है मेरा। अब आपको सुराइज, ये नीचे जो सारा एरिया है ये वैनगार्ड का एरिया, मतलब आपका ग्रोसरी का एरिया है, जिसे जाके आप सारी ग्रोसरी वगैरह जो है वो कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, सारे के सारे एरिया जो है वो उसका ग्रोसरी का। बस यहाँ पे कुछ ही थोड़े बहुत शोरूम्स हैं जो हल्के फुल्के हैं कपड़ों के जूतों के, और उसके बाद इधर से लेफ्ट मुड़ के जो है वो सारी ग्रोसरी है, मतलब मेन एरिया जो है वो ये ग्रोसरी के लिए है। ये एरिया यहाँ से शुरू है, टोटली एरिया सारा ये ग्रोसरी का, कुछ भी खरीदो कुछ भी करो। अब अंदर नहीं मैं प्रॉपरली उधर जा रहा, उधर गया तो उधर काफ़ी टाइम लग जाएगा, कुछ ना कुछ एयर पसंद आ जाता है, बट ये सारा एरिया ग्रोसरी का। चलो थोड़ा सा जाके आपको दिखाई देता हूँ। बियर, वाइन्स, जो कोई शौकीन इधर आ जाए बहुत कुछ है उसके लिए। बस और तो
यहाँ पर ये देखिए सारा वो वेजिटेबल्स, ये दूध, ये दूध बड़ा स्वाद है ये वाला, ये मैंने केले वेले इधर, आई थिंक इधर शायद ब्रेड का, हाँ इधर ब्रेड का सेक्शन है, इधर ब्रेड का सेक्शन है और वो उस साइड उधर नॉन वेज का सेक्शन है सर, बट वो फिर मैं अब नहीं दिखाऊंगा तो यार ऐसे सही नहीं लगता, ये सारा ब्रेड का सेक्शन है, तो आई थिंक कोई ब्रेड वगैरह अगर जो ख़त्म हो गई है तो मैं ले चलूँ यहाँ से, या घर के पास भी शॉप है ऐसे तो वहाँ से भी लेके आ सकता हूँ, सर नहीं कुछ बस ये सारा एरिया वो सारा नॉन वेज का है, फ्रेश मीट हल्का है, तो अब नहीं मैं दिखाने वाला यार, मुझे खुद अजीब सा लगता है बट मजबूरी है, क्या करे खाना पड़ता है। सर ये मेन डोर है इसका, मॉल का एंटर करने का, और ये रहा इसका बाहर का सारा एरिया। वैसे नाइट में यहाँ पर ज़्यादा रौनक होती है, नाइट में इधर डांस वगैरह होता है, अपने किसी ट्रेडिशन उस पर सॉन्ग्स वगैरह पे डांस करते हैं, और ये रही इसके बैक साइड की एले क्या बोलते हैं इन शॉर्ट हिंदी में, गली। ये जो पीछे अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, ये वाले अपार्टमेंट्स क्या था, ये भी वंडा के अपार्टमेंट्स है, तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है वंडा का, और ये भी इसी एरिया के अंदर सारे ये इन्होंने कवर्ड करा हुआ है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली अपार्टमेंट्स हैं, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उससे आप ये लगा लो कि ये 3 गुना ज़्यादा है। ये बर्ड्स मिलते हैं छोटे छोटे, बस ये सर यहाँ की होगा स्ट्रीट है, किड्स का ये थोड़ा सा है, मैं सोच रहा हूँ भैया के बच्चों के लिए कुछ सामान वामान यहीं से ले ले, है ना, ज़्यादा सही रहेगा, चलो देखते हैं। ये सारी वहाँ तक मार्केट है, बस यही वो उसके बाद यही शॉर्ट शॉप्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स है, कोई चश्मे का, घड़ियों का, ये मतलब इधर भी खाने पीने का भी है, यहाँ के लोकल ब्रांड्स ज़्यादा है इधर इस जगह पे, मॉल से बाहर जो है उधर के लोकल ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ लोकली चलते हैं, अच्छा एरिया काफ़ी अच्छा है, रौनक मेले वाला एरिया थोड़ा सा, आज से यहाँ पे सैटरडे है तो इंडियंस तो भी थोड़े कम है, मेरी कंपनी का सैटरडे संडे दोनों ऑफ होता है, बट कई सैटरडे जो है वो मुझे भी लगाने पड़ते हैं, बट आज सैटरडे मेरा ऑफ था, संडे कल भी ऑफ है, तो ट्राई करूँगा मैं कल भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाने की, वहाँ से तो कोई नहीं, वैली मेरे को पसंद आई नहीं, और शूज़ वगैरह सॉरी भैया के बच्चों के लिए, तो आगे कहीं देखता हूँ, आगे कहीं और शॉप कहीं मिलती है, कहीं कुछ होती है, अभी एक और शॉप पीछे गई थी वो भी इतने सही नहीं लगा, कुछ अच्छा कान का कोई डॉक्टर वगैरह, ये कौन सा ब्रांड है 1927 आई थिंक इनका यहाँ का कोई लोकल ब्रांड है, बस ये अली है, ये दूर वो वहाँ तक जाकर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जहाँ वो स्टॉप का आप वो देख पा रहे हो रेड रेड वो लगे हुए हैं, क्या बना रहा है भाई, ब्लेसिंग सिल्वर, ओके तो सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह बना रहा है, सुनिया रहा है 7J Street,
तो गाइस ये था बस ये मॉल का एरिया था सारा जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे भी कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा मैं जैसे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर यार काम बहुत ज़्यादा है और टाइम ऐसे घूमने का बहुत कम लगता है, बट जैसे भी टाइम लगेगा तो मैं वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अभी तो मैं कुछ टाइम हूँ यहाँ पर और उसके बाद वापस चला जाऊँगा अपने देश इंडिया। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आसपास अगेन सफाई बनाए रखिए और अपने माँ बाप को खुश रखिए। दैट्स इट, तरक्की करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।